नमस्कार, मैं प्रवीण सिटी सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में बड़ा ठंड का प्रकोप, तापमान में हुई भारी गिरावट। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बागड़ा क्षेत्र में हुए लूटकांड का किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर के कदमा स्थित गंगा पथ निवासी हुए उग्र, सरकारी देशी शराब की दुकान का जमकर किया विरोध। और दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने किया कई स्टेशनों का निरीक्षण, चालक लाभी भवन का हुआ उद्घाटन। और अब खबरों विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर शहर में इन दिनों ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है। ठंड का आलम है कि शाम होते ही शीतलहर चलनी शुरू हो जाती है। ठंड का जायजा हमारी सिटी न्यूज टीम ने भी लिया। शहर के लोगों के अनुसार जिला प्रशासन की तरफ से गरीब तबके के लोगों को ठंड से बचाने हेतु व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए। जमशेदपुर शहर का पारा इन दिनों 5 डिग्री के लगभग पहुंच गया है और ठंड की शीतलहरी ऐसी चल रही है कि रात के 9 बजते ही शहर सुनसान नजर आने लगता है। शाम होते ही बाजार के चाय की दुकानों पर भीड़ दिखाई पड़ने लगती है। चाय की चुस्की के साथ लोग ठंड का मजा लेते नजर आते हैं, लेकिन ठंड ने गरीब तबके के लोगों का जीना भी मुहाल कर दिया है। हमारी टीम भी ठंड का जायजा सीधे शहरवासियों से लेने पहुंची, जहां ठंड से बचने के लिए सभी उन्हीं कपड़ों के साथ साथ अलाव का सहारा लेते नजर आए। वहीं जब इनसे हमने बात की तो इन्होंने बताया कि इस ठंड में जो सक्षम है वो अपनी सुरक्षा खुद कर पा रहे हैं, परंतु जो गरीब हैं उनके लिए जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जानी चाहिए। गरीबों के बीच अधिक से अधिक कंबल तथा अलाव का वितरण किया जाना चाहिए। वहीं शहरवासियों के अनुसार स्कूलों को भी फिलहाल ठंड के मद्देनजर बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे ठंड से ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इस तरह ठंडा जो है बढ़ गया है, ठंडा का कारण बच्चे लोग को बहुत सारी दिक्कत होती है और स्कूल बंद होना चाहिए, जो कि जिला प्रशासन से हम लोग अनुरोध करते हैं कि स्कूल को बंद कर दिया। इतना ठंड नहीं गिरा था, अभी थोड़ा ठंड बढ़ गया। लोगों को लकड़ी जलाने में दिक्कत हो रही है और जिस तरह ठंड पड़ रही है, हमें लगता है कि स्कूली बच्चे जो है उनको भी दिक्कत हो रही है। और प्रशासन को चाहिए, सरकार को भी चाहिए कि कम से कम कुछ दिन के लिए स्कूल बंद होना चाहिए। और जमशेदपुर के बागबाड़ा थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का खुलासा कर पुलिस ने शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी SP प्रभात कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि 4 जनवरी की रात में नया बस्ती बागबेड़ा निवासी कमल मछुआ अपने 2 सहयोगियों के साथ घर जा रहे थे, तभी लाल बिल्डिंग चौक के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों ने इन लोगों के सारे सामान लूट लिए थे, जिसका पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर बाइक जब्त कर तीनों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है और लूटे गए सामान भी बरामद कर लिए हैं। कमल मछुआ जो बागबेड़ा निवासी है और रेलवे में ट्रेन में पेंट्री में काम करता है, वो अपना ड्यूटी समाप्त करके लगभग 12:15 के आसपास टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर उतर के अपने घर जा रहा था। वो कमल मछुआ अपने 2 सहयोगी के साथ घर जा रहा था, तो जैसे ही स्टेशन से निकला तो थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसको एक हीरो होंडा स्प्लेंडर पर सवार 3 युवक कैंची मार के रोक लिए और रोक करके उसके पास जो भी सामान था, जिसमें बैग में उसके कपड़े थे, उसका ID कार्ड था, एक मोबाइल था, कुछ पैसे थे, वो सब उससे छीन लिया। छीनने के बाद वहाँ से भाग निकले। चीज और है कि जो वादी है वो भी बागबेड़ा का है और जो अक्यूज जो लोग छीनने का काम किए वो भी बागबेड़ा का ही है, तो वादी इनफैक्ट इन लोगों को जान पहचान लिया। और जमशेदपुर के कदमा भाटिया बस्ती स्थित गंगा पथ में स्थानीय निवासियों ने सरकारी देशी शराब के दुकान का जमकर विरोध किया, जहां शराब से लदे वाहन को वापस लौटना पड़ा। सरकार द्वारा शराब बेचे जाने के क्रम में कदमा के भाटिया बस्ती स्थित गंगा पथ में एक सरकारी देशी शराब दुकान का आवंटन हुआ था, जहां शराब से भरे वाहन का बस्ती में प्रवेश करते ही लोगों का आक्रोश फूटा। लोगों ने जमकर शराब दुकान का विरोध किया। इधर बस्ती निवासियों के अनुसार यह घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ऐसे में शराब बिक्री किए जाने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बस्ती में लगेगा, साथ ही अपराध भी बढ़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बस्तीवासी कतई उक्त स्थान पर शराब बेचने नहीं देंगे। उनका कहना है कि आए दिन शहर में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में बस्ती क्षेत्र में शराब बिक्री होने से बस्तीवासियों के समक्ष एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इधर बस्तीवासियों के विरोध को देखते हुए कदमा थाना प्रभारी दल बल व उत्पाद विभाग के भी पदाधिकारी उक्त स्थान पर पहुंचे और वाहन को वापस लौटा दिया। और आज इसे गंगा पथ में सरकारी शराब को लेकर के दुकान खोलने की प्रयास किया जा रहा था सरकार के द्वारा, जिसका बस्ती वासी पुरजोर विरोध किया और बस्ती के लोगों ने हमें सूचना दिया
कि देखो भैया हमारे बस्ती में इस तरह का सरकारी शराब दुकानें खोली जा रही है, इससे हमारे वंशज और हमारे परिवार में इस समाज में कुरीतियाँ बढ़ेंगे, नशे के धूर्त में अपराध और हंगामा करेंगे जिससे हमारा समाज गंदा होगा और इसका हम लोग विरोध करते हैं। कदमा में एक देसी शराब दुकान खुलने का प्रस्ताव था बस्ती के अंदर, बस्ती के मतलब कदमा क्षेत्र में, तो उसके लिए इस स्थल का चयन हुआ था दुकान खोलने के लिए, क्योंकि सिंगल टेंडर था इसलिए इसी स्थल का चयन हो गया। तो इस पे जब आज दुकान खुलने की बात आई, यहाँ पर स्कंद भेजा गया, तो बस्ती वालों का इसमें विरोध था। तो हमने जब हमें इसकी सूचना मिली तो मैंने कदमा थाना प्रभारी को भी इसकी दूरभाष पर सूचना दी और अपने वरीय अधिकारियों को भी सूचित किया। तो उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय लोगों का विरोध है तो सरकार की ये नीति है कि जिस भी जगह पर स्थानीय लोगों का विरोध है उस जगह पर शराब की कोई दुकान नहीं खोली जाएगी। उसी के आलोक में हम लोग यहाँ पर आए हैं, थाना से भी सारे लोग जैसे आप देख रहे हैं आए हैं। बस्ती वालों का एक मत से कहना है कि इस स्थान पर दुकान नहीं खोली जाए शराब। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक एसएन अग्रवाल अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सरायकेला जिले के सिनी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां इन्होंने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए चालक लॉबी भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान रेल जीएम के साथ दक्षिण पूर्व रेलवे का पूरा महकमा मौजूद रहा। रेलवे जीएम ने सिनी रेलवे स्टेशन और रेल कॉलोनी का भी निरीक्षण किया, जहां इन्होंने अस्पताल और कॉलोनी में बेहतर सुविधाओं को जल्द उपलब्ध कराने संबंधित दिशा निर्देश रेलवे के वरीय पदाधिकारियों को दिए। इस मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से सिनी रेलवे स्टेशन पर कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग की, पर महाप्रबंधक एसएन अग्रवाल ने साफ किया कि थर्ड लाइन निर्माण कार्य के बाद ही रेलवे इस पर विचार करेगी, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था पर अत्यधिक बोझ है, जिसके कारण तीसरी रेल लाइन का निर्माण अंतिम चरण पर है। इधर अपने निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान महाप्रबंधक ने रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्रों में बेहतर यात्री सुविधा में भी बढ़ोतरी किए जाने की बात कही। जरूरत है उसके लिए कार्रवाई, जैसे कॉलोनी में रोड है या छत का रिपेयर है, उसके लिए ऑलरेडी कार्रवाई करी गई है और इस एरिया को प्रोटेक्ट करने की थोड़ी ज़रूरत है, किया जाएगा जैसे की जाएंगी। लॉबी यहाँ एक बनाई गई है, बहुत अच्छी एक लॉबी बनी है। जमशेदपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने तीन तलाक विधेयक बिल को वापस लेने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली का पुतला दहन किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे। मानवों के आजाद नगर रोड नंबर 2 स्थित मदीना मस्जिद के सामने जुम्मे की नमाज के बाद पीस पार्टी के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा तीन तलाक बिल लाए जाने को लेकर अपना विरोध प्रकट किया। ये सभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे थे। इन लोगों ने तीन तलाक बिल को वापस लेने की मांग अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से की है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष फखरुद्दीन अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों के शरीयत पर हमला कर रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीन तलाक बिल को राज्यसभा में सांसदों ने पास नहीं होने दिया है, जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जो लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पेश करके बीजेपी की हुकूमत आरएसएस के इरादे से जो काम की है, खुशकिस्मत है हम लोग की राज्यसभा में वो बिल पास नहीं हो सका और हम लोग बधाई देते हैं, शुक्रगुजार हैं ऐसे सांसद का जो राज्यसभा में ये बिल का मुखालफत करते हुए इस बिल को पास होने से रोका है। कि आपकी हुकूमत जब से आई है तब से मुसलमानों पे पहले जो जुल्म हो रहा था वो तो वैसा ही बरकरार रहा जो कांग्रेस के ज़माने में हो रहा था। अब ये हुकूमत जो आई है ये अब इस्लाम पे सीधा सीधी हमला करती है। और ठंड से बचने के लिए आग तापने के दौरान 60 वर्षीय महिला आग की चपेट में आकर झुलस गई। घटना सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत आदित्यपुर कॉलोनी रोड नंबर 2 की है। 60 वर्षीय महिला मंजू सिंह शुक्रवार सुबह अपने घर में आग ताप रही थी। इस दौरान महिला की साड़ी आग की चपेट में आ गई, जिसके बाद देखते ही देखते साड़ी में लगी आग फैल गई। इधर महिला के शोर मचाने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा आग को बुझाया गया, जिसके बाद फौरन महिला को इलाज के लिए जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहाँ महिला का इलाज चल रहा है। सरायकेला जिले के खरसावा थाना अंतर्गत बाजार निवासी एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है।
युवक मोबाइल खरीदने के बहाने युवती को दूसरी जगह ले गया और रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर अगले दिन उसे खरसवां के रामगढ़ मंदिर के पास शादी की बात कहकर उसको छोड़कर युवक फरार हो गया। पीड़िता ने युवक का काफी इंतजार किया तथा थक हार कर घर पहुंचकर अपने परिजनों को सारी बातें बताई। फिर परिजनों ने थाने जाकर मामला दर्ज। जमशेदपुर के पटमदा से 10 बच्चों को नशे की हालत में एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 4 बच्चों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। ये सभी बच्चे अपने गांव में ताड़ी का सेवन किए थे। पटमदा के एक गांव में ये सभी बच्चे अपने बुजुर्गों को पेड़ से ताड़ी निकालकर उसका सेवन करते देखते थे। इन बच्चों ने भी अपनी ना समझी की वजह से पेड़ में लटकी ताड़ी निकालकर उसका सेवन कर लिया। नशे की हालत में गांव वालों ने इन सभी बच्चों को पटमदा के उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। स्थिति बिगड़ता देख वहां से ये सभी बच्चों को एमजीएम हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, जहां 4 बच्चों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं नशे का सेवन किए बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि बच्चे स्कूल जाने के बहाने घर से निकलते थे और शाम तक जब वापस नहीं घर आते तब लोगों ने इनकी खोज शुरू की। खोज के क्रम में ये सभी बच्चे हमें नशे की हालत में एक जगह पड़े मिले, जहां ताड़ी के कई पेड़ थे, जिसके बाद हम लोगों ने इन्हें इलाज के लिए गांव के ही उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, मगर गांव में चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण इन बच्चों की स्थिति बिगड़ रही थी, जिसे देखते हुए हम लोगों ने शहर के एमजीएम हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती किया है। ताड़ी खाया था, उसके बाद नशा पूरा लग गया, इधर उधर पढ़ने लगा, तो हम अस्पताल ले आया। कौन गांव के? सारे गांव से। अस्पताल था वहाँ पे? पटमदा लगा हुआ है, उसके भीजा यहाँ भेज दिया। जो लोग होश में नहीं है वो लोग अभी डिल्यूशनल स्टेट में है, वो लोग उन लोग का हेलुसिनेशन हो रहा है। हाँ, और जो लोग होश में है वो लोग लगभग मोटा मोटी स्टेबल है। हाँ, क्या कारण था उन्हें कि क्या? ये लोग जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग ताड़ी पिए हुए हैं। हाँ, तो अभी तक तो ये लोग हम लोग को यही इन्फॉर्मेशन दे पाए हैं। हाँ, और देखिए ऐसे तो जो लोग होश में है वो लोग तो स्टेबल ही है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए। तिब्बत मार्केट जमशेदपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तिब्बत मार्केट लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए डिजाइन के गर्म कपड़े, वो भी सस्ता और बेहतरीन गर्म उलेन कपड़े। अब आपके पास जेंट्स जैकेट, ब्लेजर, फुल पुलोवर, लेदर जैकेट, नेता कोट, श्वेत शर्ट के कई रंग एवं डिजाइनों में लेडीज कुर्ती, पंचू, लेडीज के लॉन्ग सरक, जेंट्स एंड लेडीज के सभी प्रकार के शॉल एंड स्टॉल और कार्डिगन, ब्लैंकेट कई प्रकार के डिजाइन और रंगों में पा सकते हैं। लेडीज के लेगिंग्स, टॉप, ब्लाउज, कैप्स और भी बहुत कुछ पा सकते हैं। कैप्स, ग्लव्स, मफलर्स, स्मॉल शूज, शॉक्स, पैजामा भी ले सकते हैं। करें खरीदारी जमकर और सर्दी के मौसम का मजा लें घूम घूम कर। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, गोलमुरी जमशेदपुर। जीवन की खुशियों के यादगार पल आपकी उम्मीदों के सांचे में जाएं ढल। आप बनाएं अपने हर मुबारक मौके को एकदम खास और बेहतरीन। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बिल्कुल अनूठा विशाल और बेहद खूबसूरत बैंक्वेट हॉल सेलिब्रेशन इन। शादी विवाह के शुभ अवसर हो या हो आपकी मैरिज एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट गेट टुगेदर हो या फिर हैप्पी बर्थडे की सुहानी घड़ी, बनाए आपकी खुशियों का हर एक पल खुशनुमा, एक एक लम्हा बिल्कुल हसीन। एन एलिगेंट, एक्सक्लूसिव एंड स्पेशियस बैंक्वेट हॉल सेलिब्रेशन इन। वेल अरेंज्ड कैटरिंग सर्विसेज, वेल फैसिलिटेटेड विद टेंट एंड डेकोरेशंस, बलून डेकोरेशंस, लेटेस्ट डीजे म्यूजिक एंड पीए सिस्टम, 4K स्टिल फोटोग्राफी एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, all types of cultural and western entertainment events and air conditioned with deluxe guest rooms celebration inn।
अपने हर यादगार आयोजन को बनाएं अब और भी शानदार, वाओ, ऑसम, अमेजिंग। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सेलिब्रेशन इन, अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी। संपर्क करें प्रगति नगर, बजरंग चौक, कदानी रोड, बारीटी, नियर मर्सी हॉस्पिटल, जमशेदपुर। फोन 8521864285 9431328986। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आए। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर क्यूएम हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्केलिंग करवानी हो या रूट कैनल, या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी, तो एडवांस डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में, एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, बिसाइड बैंक ऑफ इंडिया, जवाहर नगर, मानवो, जमशेदपुर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल अस ऑन 8797257335 और 9534106209। आपके तुरंत पैसे की आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन पेश करता है एक आसान और सरल तरीका। इसके लिए आपको केवल 3 चीजें चाहिए, आपका पहचान पत्र, पता प्रमाण पत्र और आपका सोना। आपकी हर आवश्यकता के लिए IIFL गोल्ड लोन्स, चाहे आपके परिवार में कोई विवाह हो या आपके बच्चों की उच्च शिक्षा, इसका इस्तेमाल करें किसी भी आवश्यकता के लिए, आपातकालीन चिकित्सा से लेकर आपके सपनों का घर खरीदने तक। और आपका सोना हमारे पास सुरक्षित है जब तक आप उसे वापस अपने घर नहीं ले जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के मानगो चेपापुल स्थित एक होटल में MNSC की ओर से स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर MNSC के विशेष पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद गुप्ता और सिटी मैनेजर सफरन रहमान मौजूद थे। मौके पर स्वच्छता रखने वाले दुकानदारों को पुरस्कृत किया गया तथा विशेष पदाधिकारी ने स्वच्छता की महत्ता पर प्रकाश डाला। जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 की जो तैयारियां चल रही थी, उसी के क्रम में विभिन्न स्कूलों, विभिन्न अस्पतालों, विभिन्न RWA और धार्मिक स्थलों के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का मुख्य जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि सारे लोग जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, वो ना केवल स्वच्छता के प्रति जागरूक हों और
स्वच्छता के महत्व को समझे। जमशेदपुर के मानकों में खबर का एक बार फिर असर दिखा, जहां पिछले साल स्वच्छता अभियान के सर्वे में मानकों को टॉप में लाने के लिए लाखों की लागत से कई जगहों पर शौचालय बनाए गए थे, जिसके बाद सरकार ने मानकों अक्षेस को ODF घोषित किया था। इसकी हकीकत प्रमुखता से दिखाई गई, जहां कई महीनों से सभी शौचालय में ताला लटका हुआ था और मजबूरन लोग बाहर शौच करते थे, जिसके बाद खबर चलते ही मानगोह क्षेत्र की आंख खुली और तत्काल सभी शौचालय का ताला खोला गया। वहीं सभी शौचालय में नए नल भी लगा दिए गए, जिससे मानगोह के 3 लाख जनता को अब फायदा हुआ है। छह महीने से आम जनता मानगोह की काफी परेशान थी, शौचालय के लिए करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, लेकिन शौचालय आज खुल गया है, सभी ताले खुल गए हैं शौचालय के। शौचालय में विधिवत रूप से नल की व्यवस्था भी की जा रही है, इससे हम सभी मानगोवासी काफी प्रसन्न हैं, खुश हैं। नए साल में एक अच्छा उपहार मानगोह की जनता को मिला है। पहले प्रॉब्लम था कि शौचालय का ताला नहीं खुलने की वजह से हम लोग सब कोई बाहर में ही शौचालय कर देते थे, और ये चैनल में दिखाए जाने माने खबर दिखाए जाने की वजह से जो ताला खुल गया है, अब हम लोग को सहूलियत हो गया है कि अब हम लोग शौचालय में जाके साफ सुथरा, इससे स्वच्छता में भी असर पड़ेगा। जमशेदपुर के मानकों गांधी घाट पर नए PDS डीलरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नए PDS डीलरों को विभागीय मापदंड के अनुसार सुविधाएं नहीं मिल रही है, इन मुद्दों पर चर्चा की गई। इधर मोहन साहू ने बताया है कि पिछले वर्ष PDS दुकानें तो मिली, परंतु निर्धारित मापदंड का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है। न्यू PDS डीलर संगठन की एक बैठक गांधी घाट साक्षी में मानगोह संपन्न हुआ। क्या उद्देश्य बैठक का? उद्देश्य जो न्यू PDS जो हम लोग PDS दुकानदार जो नया मिला है 2017 में, जिसमें जो बहुत सा डीलर लोगों तक दिक्कत हो रहा है, जो सरकार के जो मापदंड था उस हिसाब से हम लोग के कार्ड का आवंटन नहीं हुआ है, और जिनका कार्ड जो मिला भी है उनके पूर्व डीलर द्वारा जिनका पास कार्ड कटा था वो इस गांव को भी सामान वही देते जा रहे हैं, तो हम लोग अभी इसलिए पूरा संगठन का बैठक हुआ। और सातवां वेतनमान तथा सेफ्टी कमीशन की सिफारिश लागू करने को लेकर सरायकला सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ के बैनर तले कोर्ट कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने अपने कंधे पर काला रिबन लगाकर विरोध जताया। 9 जनवरी तक चलने वाले इस आंदोलन के बारे में कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पवन कुमार सिन्हा ने बताया है कि उन लोगों को सातवें वेतनमान के लाभ से वंचित रखा गया है, साथ ही सेफ्टी कमीशन की सिफारिश झारखंड के 3 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में लागू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बावजूद सरायकेला, गुमला तथा जमशेदपुर जिला के कोर्ट कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस बाबत उन्होंने बार बार पिटीशन भी दिया है, मगर नियम नहीं बनने का हवाला देकर बीते 2.5 वर्षों से वे लाभ से वंचित हैं। कर्मचारियों ने चेताया है कि जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे आगे आंदोलन तेज कर देंगे। बताया यही जा रहा है कि कुछ जो है नियम जो है बनाना है, लेकिन लगभग जो है 2.5 साल हो गया है अब तक नियम नहीं बना है, जबकि हमारा जो पेरेंट्स क्या कहते हैं डिपार्टमेंट है वो लॉ डिपार्टमेंट है, लेकिन अंदर फिर भी अभी तक नहीं बना है। कौन कौन से जिले हैं जिस जहां नहीं? हम लोग हो गए सरायकेला और जो है जमशेदपुर और जो है गुमला बस। और इधर जमशेदपुर में आजसू पार्टी के विधायक प्रतिनिधि ने अलाव की व्यवस्था करने की मांग प्रशासन से की है। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि माणिक मल्लिक ने DC को पत्र लिखकर कड़ाके की ठंड को देखते हुए बलदेव बस्ती, चूना भट्टा, पार्वती घाट एवं जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था करने की मांग जिला प्रशासन से की है। जहां जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र और जुगसलाई विधानसभा के बलदेव बस्ती, चूना भट्टा, पार्वती घाट और कैरेज कॉलोनी जैसे स्लम एरिया में गरीबों के क्षेत्र में अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है। हम लोग आज DC साहब से मांग करने आए हैं कि जल्द से जल्द वहाँ अलाव की व्यवस्था किया जाए। इसके साथ ही साथ यहाँ जो निजी स्कूलों को कल परसों से खोल दिया गया, इससे बच्चे कभी प्रभावित हो रहे हैं इस ठंड में। हम लोग मांग करते हैं कि वैसे स्कूलों को भी ठंड को देखते हुए स्कूल को बंद किया जाए जब तक ठंड रहे, उसके बाद उन स्कूलों को खोला जाए। और ये अलाव की जो हमने बात कही है ये निश्चित रूप से जल्द उन गरीबों तक पहुंच जाए, चूँकि अलाव की व्यवस्था हम देख रहे हैं नगर पालिका या जमशेदपुर अक्षेत्र द्वारा वैसे क्षेत्रों में की जा रही है जहां बड़े लोग रहते हैं। और इधर जमशेदपुर के सुनारी में आम आदमी पार्टी युवा प्रकोष्ठ द्वारा झाबरी बस्ती में शौचालय निर्माण तथा स्नान घर में दरवाजा लगाने की मांग प्रशासन से की गई है।
आम आदमी पार्टी युवा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राहुल कुमार ने डीसी को पत्र लिखकर कहा है कि सोनारी झाबरी बस्ती में 40-50 मकान हैं, परंतु सामुदायिक शौचालय नहीं होने के कारण बस्ती की महिलाएं खुले में शौच करने को मजबूर हैं। इधर विनीता मिश्रा ने बताया है कि पिछले वर्ष सितंबर महीने में विधायक निधि से स्नान घर के चारदीवारी का कार्य संपन्न हुआ, परंतु दरवाजा नहीं लगाने के कारण महिलाओं को परेशानी हो रही है। हमारे सोनारी में झाबरी बस्ती में महिलाओं के लिए सोनारी में झाबरी बस्ती जो है वहाँ की महिलाएं आज प्रताड़ित हैं, उन्हें खुले में शौच करना के लिए आज मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि लोग शौचालय के लिए काफी कई बार लोग प्रशासन पे के पास गई, वहाँ के लोगों के पास कई बार गुहार लगा चुकी हैं, मगर फिर भी आज उनके पास शौचालय नहीं है, इसलिए उन्हें खुले में शौच करना पड़ रहा है। उनकी ये मांग है कि वहाँ नाली की सुविधा होनी चाहिए और शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग आज डीसी साहब के पास आए हैं सूचना देने के लिए, और नाली की जो व्यवस्था है वो भी नाली जाम है, चारों तरफ से जाम कर दिया गया है, इसलिए उनके पानी घर में पानी गंदगी जमा हो जाती है। इसके लिए आज हम लोग डीसी साहब के पास सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में वार्डों के आरक्षण की घोषणा के बाद मेयर पद अनारक्षित किए जाने के बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी जंग में कूदने को तैयार है। इसी क्रम में आजसू के सरायकेला खरसवां जिला कमेटी द्वारा भी इस बार नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर पार्टी का उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा। साथ ही निगम के 35 वार्डों में आजसू पार्टी अपने समर्थित प्रत्याशियों को उतारेगी। भले ही राज्य में भाजपा और आजसू के गठबंधन की सरकार है, लेकिन आजसू ने साफ कर दिया है कि नगर निगम चुनाव में वह भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी और स्वतंत्र होकर नगर निगम का चुनाव लड़ेगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए आजसू पार्टी के सरायकेला खरसवां जिला अध्यक्ष छवि महतो ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया है कि नगर निगम चुनाव में पार्टी की मजबूती को लेकर आगामी 11 जनवरी को आदित्यपुर के फुटबॉल मैदान में एक दिवसीय कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। निकाय चुनाव को देखते हुए आजसू पार्टी में कमर कस चुकी है, उसी संदर्भ में 11 तारीख को सुदेश जी हमारे यहाँ आ रहे हैं और विभिन्न दलों के कार्यकर्ता हमारी पार्टी में उसी दिन उनके सामने में पार्टी के मेंबर बनेंगे, उनके आने से हमारे जिला में पार्टी को बल मिलेगा। उसी दिन खरसावां में हमारा 270 सम्मेलन है। नगर निगम चुनाव में क्या प्रकार है? नगर निगम चुनाव में हम लोग आजसू से अपना दमखम दिखाएगा। और जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी हलुदबनी पंचायत में 2 सोलर लाइट को असामाजिक तत्वों के लोगों ने तोड़ दिया, जिससे पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा गया। पंचायत के मुखिया पानो मुर्मू ने कहा है कि यदि इसी तरह कुछ असामाजिक लोग अगर सोलर लाइट को तोड़ेंगे तो पंचायत में विकास कैसे होगा, इसलिए सोलर लाइट को न तोड़ें और पंचायत के विकास में भागीदार बने। उसके रखरखाव के लिए भी हम जब जाते हैं लगाने के लिए या कहीं भी मिलने जाते हैं, तो मैं सबसे ये निवेदन करती हूँ कि ये सोलर लाइट हमारे पंचायत के लिए है, तो पंचायत के लोगों की संपत्ति होगी और इसका रखरखाव और सब मिलकर ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ मेरी पंचायत में 2 सोलर लाइट, एक है फल्गु रोड के कोना में है और एक है विद्यासागर पल्ली के मेन रोड में, वो किसी अज्ञात तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई। और यहाँ एक बार फिर छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकान है। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया, इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले, घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट,
एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती। OIIFT and Orissa Institute of Interior and Fashion Technology, Jamshedpur. It provides quality education through prominent fashion gurus. Courses are designed in the field of fashion designing and interior designing. Frequent guest faculty visits from renowned institutes. Internationally renowned pattern designer Mr. Arvind K. Zarapkar as an academic director of OIIFT campus by renowned designers as well as expert houses. We have included some more special features which adds feathers in OIIFT throughout the year. Enjoy fashion show every year organized by OIIFTians with their creation. OIIFT, transform your dreams into reality. गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं हमारा नया शोरूम बाजार गोलचा, नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा। गोलचा रेडीमेड सेंटर, वाजिब दाम में मिले सामान अच्छा। जी हाँ, यही तो है गोलचा रेडीमेड सेंटर। गोलचा रेडीमेड सेंटर पेश करते हैं अ यूनिक एसी गारमेंट मॉल इन हार्ट ऑफ सिटी। गोलचा रेडीमेड सेंटर, जहां आधुनिक फैशन और डिजाइन की हर वैरायटी उपलब्ध है आपके पूरे परिवार के लिए। गोलचा रेडीमेड सेंटर, अ मल्टी ब्रांड गारमेंट शोरूम, जहां आपको मिलेगा लेडीज के लिए कुर्ती, लहंगा चुन्नी, फैंसी और कामदार रेडीमेड सूट एवं सूट पीस, लेगिंग्स, जींस, टॉप, जेगिंस, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट। गोलचा रेडीमेड सेंटर में मिलेगा आपको जेंट्स के लिए जींस, पैंट, ट्राउजर, शर्ट, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर और साथ साथ दूल्हे राजा की शेरवानी। इतना ही नहीं, अगर अपने घर को देना है नया लुक और सजाना, गोलचा रेडीमेड सेंटर जरूर आना। बाजार गोलचा, करे आपके सपनों को साकार, फिर देर काहे की सरकार। आज ही पधारें बाजार गोलचा। हमारा पता, पहला और दूसरा तल्ला नगर पालिका बाजार नियर जुगसलाई गुरुद्वारा जमशेदपुर, 0657229093। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते, ये विचार संपूर्ण विज्ञान भित्तिक है। हमारा ये विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। जब থেকে মাধব বাবু কাছে গেছি, তব থেকে অনেক সফল লাভ হচ্ছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সবকিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সফল হয়েছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874826809430, 9430715730, 9709052086। अरे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, यही सोच रहे हैं ना सभी। अरे और कौन, इंडियाज फेवरेट फैमिली शॉपिंग डेस्टिनेशन पैंटालूंस आ रहा है 9 सितंबर एट हाईटेक सिटी सेंटर मॉल बिष्टुपुर में। आप आ रहे हैं ना। पैंटालूंस, इन लव विद फैशन, इन लव विद जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत वर्तमान शिक्षकों ने कॉलेज से सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया, साथ ही उनका आभार करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लिया।
सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज से सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य भी उपस्थित रहे। कॉलेज के प्राचार्य के अनुसार स्कूल के वर्तमान जो भी शिक्षक हैं, वो खुद कभी छात्र थे और एक शिक्षक के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और इस कारण से शिक्षकों के प्रति हमेशा सम्मान की भावना सभी के मन में रहती है। इस तरह के सम्मान समारोह के माध्यम से वर्तमान शिक्षक पूर्व शिक्षकों के प्रति अपनी भावना और सम्मान को प्रकट करते हैं। एक समारोह आयोजित किए हैं आज के दिन, क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है, तो हमारे जितने पूर्व शिक्षक रहे हैं और जिनकी छत्र छाया में हम लोग भी आगे बढ़े हैं, उन सब लोगों को हम लोग आज बुलाए हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। और ये कॉलेज कुछ समय पहले, 8-10 वर्षों पहले से थोड़ा इसका समय खराब चल रहा था, और अभी कुछ समय हम लोग को लगता है कि कॉलेज फिर से रास्ते पर आ रहा है, तो अच्छे समय की शुरुआत हुई है। और सरायकला जिले के राजनगर तुमुंग गांव में स्वर्गीय धनंजय महतो की चौथी पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं इस मौके पर कई सामाजिक लोग उपस्थित थे। सामाजिक व्यक्ति प्रकाश महतो ने बताया है कि स्वर्गीय धनंजय महतो जैसा व्यक्ति इस गांव में जन्मे ऐसे महान व्यक्ति को नमन करता हूं, और समाज के लिए कई कार्य इन्होंने किए हैं। आपको बता दें कि स्वर्गीय धनंजय महतो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और ईचागढ़ विधानसभा के विधायक भी थे और आईडा के चेयरमैन भी रह चुके थे। स्वर्गीय धनंजय महतो, जिनका पैतृक गांव तुमुंग है, इनका हम लोगों ने चौथा पुण्यतिथि मनाया। इनका जन्म 1909 में हुआ था, और जो 2 जनवरी को इनका देहांत हुआ था। ये पूर्व स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, भारत सरकार माने आज़ादी के लड़ाई में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा था और पैदल मार्च करके गांव-गांव के लोगों को एकत्रित करते थे, और आंदोलन में, भारत के आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। और जीएचआरसी की ओर से जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जीएचआरसी के केंद्रीय अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने बताया है कि प्रदर्शन के बाद डीसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधन ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने ये भी कहा कि सजायाफ्ता राजनेताओं को चुनाव लड़ने से वंचित रखने की इसमें मांग की गई है। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। हम लोग राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं डीसी के माध्यम से। हम लोगों के ज्ञापन का मुख्य आधार ये है कि जो देश में सजायाफ्ता जो नेता है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक आदेश लाया था जिसके तहत वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन देश की राजनीति को अगर पारदर्शी बनाना है और देश को विकसित राज्य में शामिल करना है, तो ऐसे सजायाफ्ता नेताओं को राजनीति से बर्खास्त करना पड़ेगा। जिस तरह सरकारी सेवक को सजायाफ्ता होने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, उस तरह इन नेताओं को देश की राजनीति से अलग करना पड़ेगा, बर्खास्त करना पड़ेगा। लालू यादव जी हो या देश के कोई भी नेता हो, जो सजायाफ्ता है उनको देश की राजनीति से अलग किया जाए। और जमशेदपुर के टेगोर सोसाइटी द्वारा आगामी 12 से 14 जनवरी तक रविंद्र भवन प्रांगण में रविंद्र संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न केवल भारत देश बल्कि बांग्लादेश से भी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रत्येक वर्ष टैगोर सोसाइटी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जिसका शहरवासी भरपूर आनंद लेते हैं। इस आशय की जानकारी देते हुए सोसाइटी के महासचिव ने कहा कि इस 3 दिवसीय रविंद्र संगीत सम्मेलन का शहर के कला प्रेमी इंतजार करते हैं। इस संगीत सम्मेलन में प्रस्तुति देने के लिए न केवल पूर्वी भारत के कलाकार बल्कि बांग्लादेश के प्रसिद्ध रविंद्र संगीतकार लाइजा अहमद अपनी प्रस्तुति देंगी। वहीं देश के कई बड़े रविंद्र संगीतकार श्रेया गुहा, उज्जैनी मुखर्जी, लोपा मुद्रा मित्रा जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। 12 जनवरी से शुरू होकर 14 जनवरी तक यह सम्मेलन चलेगा। 1999 से यहाँ पर चालू हुआ और हर साल जनवरी महीने में होते हैं। 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, इसमें शांति निकेतन, कलकत्ता और ये वो बांग्लादेश, ये सब से आर्टिस्ट लोग आते हैं। रविंद्र संगीत का आर्टिस्ट है सर, ये लोग आके 3 दिन यहाँ पर प्रोग्राम होता है रविंद्र संगीत का, और इसमें हॉल पैक्ड अप रहता है। जमशेदपुर के जितना संगीत प्रेमी है, रविंद्र संगीत प्रेमी, वो लोग सब आते हैं। और नव वर्ष के मौके पर जमशेदपुर के बारीडी भोजपुर कॉलोनी से कलश यात्रा निकाली गई।
नववर्ष पर महायज्ञ का आयोजन किया गया। शुक्रवार को बारीडी भोजपुर कॉलोनी से कलश यात्रा निकाली गई। इधर बसंत तिवारी ने बताया कि कलश यात्रा के बाद प्रसाद वितरण किया गया और 6 जनवरी से महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और जमशेदपुर के साक्षी स्थित बंगाल क्लब में रेडीमेड गारमेंट सेल 2018 के उलेन उत्पादों की प्रदर्शनी सह सेल मेले का उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी सह सेल मेला का उद्घाटन भाजपा के महानगर अध्यक्ष दिनेश कुमार ने फीता काट कर किया। इधर मेले के आयोजक ने मीडिया को बताया कि प्रदर्शनी सह बिक्री मेला 4 दिनों तक रहेगा। और ये हमारा आज से लेकर कंटिन्यू 14 तारीख तक चलेगा। क्या क्या लाए ठंड के? इसमें हम ठंड के गर्म कपड़े हैं, उलन के एक से एक बढ़ के 50 रुपए से लेके और 990 रुपए तक का आइटम है हमारे यहाँ पर उपलब्ध किया गया है। हर रेंज का 400 300 जीन्स पैंट शर्ट टी शर्ट बच्चों के लिए नॉन बेबी आइटम्स हैं एक से एक इसमें सब 50 रुपए के से लेकर 50 रुपए का बच्चे का है बहुत बढ़िया आइटम। और जमशेदपुर के सामाजिक संस्था नई उड़ान के द्वारा समाज सेवा के तहत ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें संस्था के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों तक रक्त पहुंचाने के उद्देश्य से संस्था के द्वारा यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें संस्था के सदस्यों के साथ शहरवासियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जिसमें एकत्रित किए गए रक्तों को जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाएगा। हमारा जो भी ब्लड डोनेशन होता है इसको हम लोग कैंसर पीड़ित या जो भी निडी लोग हैं उनको ये ब्लड को मुहैया कराया जाता है। इससे ये हम लोग अभी तक लगभग 400 यूनिट रक्त प्रदान कर चुके हैं गरीबों को और हमारा लक्ष्य है कि आगे भी ये हम लोग करते रहेंगे। और जमशेदपुर के साक्षी स्थित धार्मिक क्लब में 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश सद्भावना मंच के द्वारा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसके माध्यम से देशभक्ति राष्ट्रीय एकता और आपसी सद्भावना को बढ़ावा देना है। वहीं देश पर अपनी जान न्यौछावर कर चुके वीर शहीदों की याद में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी की जाएगी जो इस पूरे आयोजन का आकर्षण का केंद्र होगा। एक शाम शहीदों के नाम उत्तर प्रदेश सद्भावना मंच के तत्वाधान में तो हम लोग देश की एकता अखंडता शांति सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और सरहद पर जो सैनिक हमारे अपने जानों की कुर्बानी दे रहे हैं देश की रक्षा के लिए उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो शहीद हुए हैं ये कार्यक्रम रखा गया है। लोक संगीत के माध्यम से हम लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे और साथ साथ सामाजिक विकास में जिन लोगों ने योगदान किया है अपने शहर के अंदर उनको हम लोग उत्तर प्रदेश सद्भावना मंच की तरफ से कल सम्मानित भी करेंगे। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में बड़ा ठंड का प्रकोप, तापमान में हुई भारी गिरावट। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, बागबड़ा क्षेत्र में हुए लूटकांड का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर के कदमा स्थित गंगापथ निवासी हुए उग्र, सरकारी देशी शराब की दुकान का जमकर किया विरोध। और दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने किया कई स्टेशनों का निरीक्षण, चालक लाभी भवन का हुआ उद्घाटन। इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।